वेलकम इन विमर्श लर्निंग। हम लोग अपनी मूल विधि की क्लास में एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन का मतलब भ्रष्टाचार रोकने के लिए जो भारत में कानून बनाए गए, भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम बोला जाता है इसको, वो हमें पढ़ना है। उस भ्रष्टाचार रोकने के लिए भारत में दो तीन बड़े कानून चलते हैं, तो शॉर्ट में हमें वही देखना है कि क्या क्या होता है कानून और वो कैसे काम करता है। उससे पहले एक ये डेटा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे भी करंट अफेयर्स में पता होना चाहिए सूचकांक के बारे में। एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की संस्था है, जर्मनी की संस्था है, एनजीओ है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये क्या करता है, हर साल एक इंडेक्स निकालता है, सूचकांक निकालता है, जिसमें जो करप्शन के आधार पर कि कितना करप्शन है उस देश में। तो भारत कोई पीछे नहीं है, देखो रैंक लिखी हुई है 180 देशों में 85th रैंक पर भारत है, ठीक है। तो इसका मतलब करप्शन के मामले में मतलब ज्यादा संख्या है भारत में भ्रष्टाचार की, और वैसे भी सबको पता ही है। तो इस भ्रष्टाचार को कैसे कानूनन तरीके से कैसे रोका जाए, उसके लिए भारत में कानून बनाए गए। और दो तो बहुत फेमस कानून है, जिसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट, अच्छा इसमें सबसे ज्यादा पूछा तो इसका ईयर ही जाता है, जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही हो गई इसकी, इस कानून के बारे में। इस कानून के बारे में दो तीन चार चीजें जो हमें याद रखनी है, देखो। अच्छा, ये मैं हर बार जो मूल विधि की क्लास समझ रहा है उसको पता होगा कि जो भी कानून बनाए जाते हैं उसमें सेक्शंस होती हैं, धाराएं होती हैं। जैसे संविधान में आर्टिकल होते हैं, यहाँ पर क्या होती है, धाराएं बोली जाती हैं, सेक्शंस। तो सेक्शन वन में तो उस कानून का नाम होता है सिर्फ, ठीक है। जैसे अगर ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है तो पहले सेक्शन वन में उसका नाम दिया होगा कि दिस एक्ट विल बी नोन एज भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बस ये लिखा होगा। सेक्शन टू में फिर उसमें परिभाषाएं दी जाएंगी, मतलब उसमें जो जो नाम आएंगे ना, जैसे ये आएगा कि कोई पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक मतलब जो सर नौकरी पे सरकारी, वो भ्रष्टाचार नहीं कर सकता, तो उसमें परिभाषा बताई जाएगी लोक सेवक क्या होगा। तो जो भी कानून हो, क्योंकि ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया इसलिए मैं बता रहा हूं, और हर मूल विधि के हर लॉ में ये मैंने बताया कि हर एक्ट के मोस्टली सेक्शन दो, जो धारा दो होगी उसमें क्या बताई जाएंगी, परिभाषाएं। उस कानून के अंदर जो जो भी टर्म्स आने वाले ना, नाम आने वाले, जैसे अगर आप पर्यावरण वाला कानून देखोगे, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, एनवायरमेंट एक्ट जो हमारा 1986 वाला, 86 वाला बहुत पूछा है, तो उसके अंदर जो भी परिभाषाएं आएंगी वो किसमें दी जाएंगी, सेक्शन टू में हमेशा दी जाएंगी। फिर सेक्शन तीन से प्रॉपर नियम शुरू होते हैं कि क्या क्या अलग नियम है। तो इसलिए कभी पूछ लिया जाए कि एनवायरमेंट से संबंधित या वन्य जीव अधिनियम से संबंधित ये परिभाषा किस सेक्शन में है, आपको बाय डिफॉल्ट इसको टू लगाना है, अगर जब तक कि दूसरा सेक्शन ना बताया जाए उससे संबंधित। देखो अब इसमें क्या क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। तीन क्या बोल रहा है, ये पहले आ गया इसलिए पहले बताना, हालांकि इसको समझना तो बाद में चाहिए था, कि इसमें क्या होता है, जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं, लिप्त पाए जाते हैं और पकड़ लिए जाते हैं, तो उनके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार स्पेशल जुडिशरी या स्पेशल जजेस की नियुक्ति कर सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विशेष जजों की नियुक्ति की जाती है। विशेष जज का मतलब, देखो ये पता है कि नॉर्मल जो न्यायपालिका है उसमें न्याय मिलने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है, बहुत टाइम, बहुत सालों तक केस चलता रहता है। तो इसलिए जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग पाए जाते हैं उनके लिए विशेष जज नियुक्त किए जाते हैं जो फास्ट ट्रैक न्याय देते हैं। फास्ट ट्रैक मतलब जल्दी में न्याय देते हैं, ठीक है। ये सेक्शन तीन इसलिए पूछा जाता है। अब ये तीन धाराएं हैं जो सबसे काम की इसकी है। नंबर वन है 7, फिर 7A, फिर 8। पहले समझना है क्या क्या है 7। सेक्शन 7 क्या कहता है कि जो कोई भी लोक सेवक होगा, इसको मैं अलग से लिख के भी बताऊंगा, पहले समझ लो, कोई भी पब्लिक सर्वेंट होगा, लोक सेवक मतलब जो नौकरी में जा रहा है, किसी भी आप जॉब में जाओ, सिपाही बन रहा है, SI बन रहा है, SP DM कोई भी बन रहा है, तो वो सब लोक सेवक कहे जाएंगे, पब्लिक सर्वेंट। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट कोई भी अनड्यू एडवांटेज, ये वर्ड बड़ा काम का है, इसको बोलते हैं अनड्यू एडवांटेज। इसका मतलब होता है अनुचित लाभ। क्या करता है अनुचित लाभ, तो नाम से पता चल रहा होगा कि क्या है, जो उसका हक नहीं है वो ले रहा है, ठीक है। कोई भी अनुचित, जो पब्लिक सर्वेंट है, लोक सेवक, वो अगर इसकी मांग कर रहा है किसी भी काम को करने के लिए, अच्छा वो चाहे अपने लिए हो, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो खुद के लिए नहीं मांग रहा, किसी और के लिए मांग रहा है,
वो मतलब नहीं, वो इमेटेरियल है। मतलब क्या है कि चाहे वो खुद ले रहा हो, चाहे आपने किसी रिश्तेदार को दिलवा रहा हो, चाहे कुछ लोग कहते हैं ना अपने हाथ में नहीं लेंगे, हमारे चपरासी को दे दो, उसको दे दो, या पान वाली की दुकान पे रख दो जाके, ठीक है, वो सब अपराध है। ऐसा नहीं कि आप हाथ में ले रहे हो नहीं ले रहे हो तो वो अपराध नहीं होगा, ठीक है। वो एंडी एडवांटेज चाहे वो खुद के लिए मांग रहा हो, चाहे किसी दूसरे के लिए मांग रहा हो, चाहे उसने पहले लिया हो चाहे बाद में लिया हो, काम करने से पहले या काम करने के बाद में रिवॉर्ड के रूप में लिया हो, ठीक है, चाहे उसने स्वीकार किया हो चाहे ना किया हो, अक्सर बातचीत हुई हो कि इतना रुपया दे देना। ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि पैसा मिल गया हो उसको, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, या अटेम्प्ट भी करता है, अटेम्प्ट मतलब लेने का प्रयास भी करता है, तब भी वो धारा 7 में क्या हो जाएगा, अपराध। तो ये समझ, बस धारा 7 इसलिए समझी जाती है कि कितनी चीजें अपराध हैं, इसको किसी मतलब स्वयं के लिए या तीसरे पक्ष के लिए, चाहे वो काम अपना कर्तव्य करने से पहले या कर्तव्य करने के बाद में कुछ भी लिया जाए, अनड्यू एडवांस लिया जाए, तो वो अपराध होगा। और इस अपराध से में जो अधिकतम सजा दी जाएगी वो 7 साल की, 3 से 7 साल तक। मूल विधि में ये ऐसे वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितनी सजाएं दी जाती हैं, मैक्सिमम सजा और मिनिमम सजा कितनी है। तो जो भी लोक सेवक धारा 7 का दोषी होगा उसको 3 से 7 साल तक की सजा दी जाएगी, जुर्माना भी लगाया जा सकता। दूसरा इसी से जुड़ा हुआ है 7A बस क्या करता है, जो दलाली होती है उसको अपराध बना देता है। अब इसमें लोक सेवक खुद कुछ नहीं ले रहा है, देखो कई कई बार हम लोगों ने देखा है कि कई गवर्नमेंट ऑफिसेज में ब्रोकर पहले से बैठे होते, दलाल होते हैं, और खासकर कुछ ऑफिस तो बदनाम होते थे, जैसे जो लाइसेंस बनाने वाले ऑफिस होते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस वाले, RTO वाले, वो तो बदनाम हो चुके थे कि आपको लाइसेंस बनवाना है जाओ वहां पर, 500 रुपये दो, 1000 रुपये दो, लाइसेंस बना के दे देते हैं, वो कभी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति, यहां पर अब लोक सेवक की बात नहीं, अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से अनुचित लाभ लेता है, जैसे वो दलाल है, उसने किसी व्यक्ति से सेवा देने के लिए लाभ लिया और फिर वो आगे किसी अधिकारी को देगा वो पैसा, तो वो भी क्या हो जाएगा, 7A का दोषी हो जाएगा, और उसको भी 3 से 7 साल तक की सजा 7A में। तो ये ब्रोकरेज को करता है, सेक्शन अलग अलग से पूछे गए हैं इसके, 7 में लोक सेवक अपराधी है, 7A में कौन अपराधी है, जो ब्रोकर है, जो दलाली कर रहा है वो अपराधी है, और फिर इससे भी इंपॉर्टेंट, ये कानून जो है ये भ्रष्टाचार करने वाले को, पैसे देने वाले को भी क्या बनाता है, अपराधी। जिसने पैसा दिया है वो भी क्या हो जाएगा, सेक्शन 8, इसलिए ये तो बहुत पूछा जाता है कि जो किसी लोक सेवक को प्रलोभन देता है या अनुचित लाभ देने का वादा करता है या देता है, वो भी इसका अपराधी है, और उसको भी सेक्शन 8 से सजा दी जा सकती है 7 साल तक की, अप टू 7 ईयर। लेकिन उसमें यहां पर एक छूट है उसको, कभी कभी देखो कुछ लोग अपने आप देने पहुंच जाते हैं कि भाई ऐसा है चालान मत करो, ले लो हमसे 100 रुपये, ले लो 200 रुपये, ले लो, तो वो दोषी हो गया। लेकिन अगर किसी को विवश किया गया है, कभी कुछ लोग नहीं देते हैं, अपना काम करवाने गए लेकिन उनका काम नहीं किया जा रहा है, तो उनको क्या कंपेल किया जा रहा है, विवश किया जा रहा है कि भाई जब तक दोगे नहीं तब तक हम काम नहीं करेंगे। तो अगर इसमें बस एक प्रावधान एक जुड़ा हुआ है 8 में, अगर किसी को विवश किया गया है, ठीक है, मजबूर किया गया है, तो वो अपराध, जिस दिन उसने पैसा दिया उसके 7 दिन के अंदर, ये पॉइंट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, रिश्वत देने की तारीख से 7 डेज के अंदर, विद इन 7 डेज अगर वो अथॉरिटी को नोटिफाई कर देता है, बता देता है कि मुझसे पैसा लिया गया है, तो वो सेक्शन 8 का दोषी नहीं होगा। मतलब समझ गए, अगर पैसा दिया है तब भी दोषी हो गए, आप भ्रष्टाचार करवा रहे हो, अगर आपसे विवश करके लिया गया है तो आप 7 दिन के अंदर किसी एंटी करप्शन एजेंसी जो होती है राज्य की, उनमें आप खबर कर दो कि हमसे पैसा लिया गया है, तब आप दोषी नहीं होगे उस अपराध के। तो ये बस यही 3 मेन सेक्शन है इसके, इस कानून के, 7, 7A और 8, ठीक है, तीनों ये अपराध बनाता है। फिर तो इसमें बताया गया है कि बाकी चीजें क्या क्या की जा सकती है, जैसे सेक्शन 12 क्या कहता है कि अगर कोई इस अपराध को बस उकसाता है, करता नहीं है बस उकसा रहा है, उकसाना मतलब इंस्टिगेट कर रहा है, इंस्टिगेट करना का मतलब क्या है कि कोई भी इनडायरेक्ट तरीके से बात कर रहा है पैसा लेने की या देने की, ठीक है, जैसे किसी ने पब्लिक सर्वेंट जो है आपका काम नहीं कर रहा, आप जा रहे हो ऑफिस में बार बार, वो कह रहा 2 दिन बाद आना, 3 दिन बाद आना, 4 दिन बाद आना, और वो आपको बताना चाहता है किसी तरीके से ना, मैसेज देना चाहता है, सीधे कभी कभी नहीं बोल देते, मैसेज देना चाहता है कि भाई ये काम तब तक नहीं होगा जब तक कुछ
मिलेगा नहीं मामला। तो अगर वो कुछ उकसा रहा है, इंस्टिगेट कर रहा है, तब भी भ्रष्टाचार का वो अपराधी पाया जाएगा और उसको भी 3 से 7 साल तक की सजा होगी। मतलब ये भ्रष्टाचार का कानून ऐसा है जिसमें भ्रष्टाचार होना जरूरी नहीं है, उसका प्रयास करना भी क्या है, अपराध बनाया गया है इन धाराओं से। फिर देखो ये दो सेक्शन और हैं काम के, ये एक तो सेक्शन 7 है, ये कभी कभार पूछा जाता है कि भ्रष्टाचार की जांच कौन कर सकता है, अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए। ये देखो जो सीबीआई होती है, सीबीआई में एक पुलिस निरीक्षक जो इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी होता है वो कर सकता है, ये सीबीआई होता है। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है सीबीआई। ये मैं कानून बना चुका हूँ सीबीआई के बारे में, पुलिस में, कि सीबीआई किस कानून से बनाई गई थी, इसका नाम बहुत पूछा जाता है, डीएसपीई, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, इससे सीबीआई बनाई गई थी। तो इसमें इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी हो, अगर कोई बड़े शहर है तो वहां पर एसीपी अधिकारी जो असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर होते हैं डिप्टी एसपी रैंक के, और बाकी जगह पर वही एसीपी रैंक को ही डिप्टी एसपी बोलते हैं, जो पीसीएस से ना पीपीएस से जाते हैं, पहले बनते हैं सीओ जिनको कहा जाता है, तो सीओ या उससे ऊपर वाले रैंक के लोग इसकी जांच कर सकते हैं। इसमें एक चीज और है सेक्शन, बस ये काम का और है, कभी कभार पूछ सकते हैं ये 17A, कि अगर किसी सरकारी व्यक्ति की जांच करनी है तो ऐसे जांच नहीं की जा सकती, सरकार को परमिशन देना पड़ेगा। जैसे अगर किसी ने अपराध किया है, भ्रष्टाचार किया है, तो सरकार ही आदेश दे सकती है उसकी जांच करने का, ठीक है, तो पूर्व अनुमति सरकार की लेनी पड़ती है। लेकिन मतलब एजेंसी अपने आप जांच नहीं करेगी, सीबीआई और ये पुलिस अपने आप जांच नहीं करने लगेगी, सरकार से परमिशन लेगी, सरकार ने अनुमति दे दी तब जांच की जाएगी। लेकिन एक चीज अगर है, अगर वो रेड हैंडेड पकड़ा गया है, रंगे हाथों पकड़ा गया है, तब जो है ये एजेंसी अपने आप जांच कर सकती है जितनी भी बनाई गई भारत। तो ये सेक्शन 17A हो गया। इसमें फिर से बता रहा हूँ, सिर्फ 3 सेक्शन जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो वही है 7A और 8, जो मेन अपराध बनाते हैं ये। ये देखो ये कानून है, हालांकि बहुत कम अप्लाई होता है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ, ये भारत का सबसे बड़ा कानून है, दंड संहिता जो है भारत की आईपीसी, जिसमें सब अपराध लिखे हुए हैं, इंडियन पीनल कोड, जो अब बदली जाने वाली है, बदल दी गई है, बस लागू नहीं हुई है, भारतीय न्याय संहिता बना दी है भारत की संसद ने, और इस साल के लास्ट में दिसंबर से वो लागू होगी। ये आईपीसी बहुत पुरानी 1960 की बनी हुई है, तो इसमें बहुत सी धाराएं हैं, तो इसमें भी कुछ धाराएं अपराध जो भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई हैं। एक तो ये है 21, इसमें बस लोक सेवक की परिभाषा बताई गई, तो ये पूछी नहीं जाती, कोई काम की नहीं है, ये दो धाराएं काम की थोड़ा, और जिसमें 409 सबसे ज्यादा, अगर कभी भी देख अगर कोई न्यूज देखेगा किसी ने कुछ गड़बड़ किया, किसी पब्लिक सर्वेंट ने, लोक सेवक ने, तो 409 उस पर जरूर लगती है। हाँ, कौन सा आईपीसी 1860, बहुत पहले अंग्रेजों के टाइम की बनी हुई। तो देखो 169 क्या कहता है, अगर लोक सेवक कोई इलीगल संपत्ति को खरीदता है या बोली लगाता है तो उसके लिए है, कि कोई अगर भ्रष्टाचार करके उसने कोई प्रॉपर्टी खरीदी उसके लिए है, या 2 साल तक की सजा। 409 बहुत पूछा जाता है, इसको बोलते हैं सीबीटी, इसलिए ये बहुत बड़ा अपराध बनाता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आपराधिक विश्वासघात, ये तो अलग से बहुत नाम पूछा गया है। 409 सीबीटी अपराध किस धारा में, किस सेक्शन में आता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। देखो ट्रस्ट सबको पता है विश्वास, तो पब्लिक सेवक इसलिए नियुक्त किए जाते हैं कि उन पे विश्वास होता है कि वो कुछ काम करे जनता के लिए, लोगों के लिए काम करे, और अगर वो भ्रष्टाचार करते हैं तो एक तरीके का विश्वासघात है। वो कुछ भी करें, मतलब कुछ भी ऐसा करें जिससे वो अपना कर्तव्य ना करें, तो उन पे भ्रष्टाचार लगेगा, ये सीबीटी लगेगा। जैसे एग्जांपल में बताऊं तो, अगर मान लो किसी कोई पुलिस वाला है, उसने भ्रष्टाचार नहीं किया है, समझ लो कोई एसआई है, वो हीरो बन रहा है, उसने क्या किया, किसी को पकड़ के पीट दिया ऐसे ही, अब कोई भ्रष्टाचार थोड़ी ना है वो, लेकिन सीबीटी लग जाएगा, क्योंकि सीबीटी बहुत बड़ी बात बोलता है कि आपने क्या किया, आपने विश्वासघात कर दिया, आप जिस चीज के लिए नियुक्त किए गए हो आपने वो काम नहीं किया, आपने उस दायित्व से अलग चलकर कोई गलत काम कर दिया, कोई गलत अपराध कर दिया। तो सीबीटी तो हर जगह लगाई जाती है, कभी भी कोई पब्लिक सर्वेंट कोई भी अपराध करे तो ये लगाया जाता है, और इसमें बहुत बड़ी बड़ी सजाएं हैं, ठीक है, देखो आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की सजा, अपराध के हिसाब से जितना भी, जैसे जितना बड़ा अपराध होगा वैसी सजा दी जाए। एक कानून एक ये है,
ये भी बहुत पूछा आता है, फिर से ईयर वही है इसका, जो भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम का ईयर था 1988, इसका भी ईयर वही है। इसको कहते हैं बेनामी ट्रांजेक्शंस एक्ट। बेनामी, ये नाम से ही पता है, देखो बेनामी क्या होता है समझना। अब क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, प्रॉपर्टी अपने नाम पे नहीं रखते, भ्रष्टाचार किया, खूब पैसा मिला, लेकिन वो प्रॉपर्टी किसी दूसरे के नाम पे करवा देंगे जिससे उनके नाम पे पता ना चले, बेनामी संपत्ति, तो उस पे ये कानून अप्लाई होता है, बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट। इसमें क्या होगा कि अगर किसी व्यक्ति ने संपत्ति दूसरे के नाम पे ली है, ठीक है, या फेक नाम पर ली, कई कई केस बन सकते हैं, अगर उसने फर्जी नाम पे लिया है, मतलब पूरा आदमी है ही नहीं, ऐसे तो बन जाते ना आधार कार्ड और वोटर आईडी बिना, वो ना आदमी नहीं है, कभी कभी आदमी मर गया है उसी पे चल रही है प्रॉपर्टी उसकी, पता ही नहीं चल रहा है, तो किसी फर्जी नाम पे ली गई है, ठीक है, या तो जो पैसा भुगतान किया गया है, भुगतान को इंग्लिश में कंसिडरेशन बोलते हैं, भुगतान, ठीक है, या जो ऑनर है, ऑनर मतलब जो स्वामी है, क्या हो गया, ऑनर जो होगा, स्वामी जो होगा, उसका पता ही नहीं चल रहा हो, कोई संपत्ति ऐसी है जिसका पता नहीं चल रहा हो, ठीक है, या तो किसी दूसरे ने भुगतान किया हो, भुगतान किसने किया है, किसी दूसरे ने किया, अगर ऐसे वाले केस बन रहे हैं, मतलब कहने का मतलब एक बात याद रखनी है कि संपत्ति का असली हक किसी पे है और नाम किसी और का चल रहा है, ठीक है, तो ऐसे सभी ट्रांजेक्शन बेनामी कहे जाते हैं। और अगर इन इन ट्रांजेक्शन में क्या है, अब ये अपराध हो चुका है और इसमें ये सजा दी जाती है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें प्रॉपर्टी तो सीज ही की जा सकती है, साथ साथ में इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 7 ईयर्स, 7 साल तक की सजा है बेनामी संपत्ति रखने में, और साथ साथ में उस संपत्ति, जो संपत्ति मान लो कोई जमीन है या कोई मकान है, उस संपत्ति का बाजार में जो भी मूल्य होगा, जितना भी मूल्य होगा, उसका 25% बाजार मूल्य के हिसाब से उस पे हर्जाना या हर्जाना। आप सोचो, जैसे अगर कोई व्यक्ति है जिसने मान लो 1 लाख की कोई प्रॉपर्टी खरीदी, इमेजिन करते हैं, तो उसको सजा तो 7 साल तक की मिलेगी, साथ साथ में 1 लाख की प्रॉपर्टी सीज कर दी गई उसकी, और साथ साथ में 1 लाख पर 25% उसका, मतलब 25,000 क्या लग जाएगा, हर्जाना, प्रॉपर्टी तो सीजी की जाएगी, साथ में अलग से हर्जाना लगेगा। तो ये भी बहुत बड़ा कानून है, इसमें ज्यादा चीजें नहीं है, लेकिन इसको ये हमेशा लगाया जाता है, जब भी देखना कोई भ्रष्टाचार में पकड़ा जाता है उससे सजाएं मिलती, इससे उसकी प्रॉपर्टी छीनी जाती है, सीज की जाएगी बेनामी ट्रांजेक्शन से। एक कानून और है, बस इसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, आजकल बहुत न्यूज में रहता है, PMLA, PMLA कानून बनाया कब गया, 2002 में बनाया गया, इसको धन शोधन कानून भी कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, बहुत काम का कानून, आजकल सब हर दिन तो न्यूज में रहता है ये PMLA। इसमें क्या होता है, देखो अगर किसी ने कोई ऐसी संपत्ति किसी के पास है जो आपराधिक तरीके से पाई गई है या किसी भी और अपराध में लिप्त पाई जाती है, मतलब क्या है कि वो संपत्ति किसी भी अपराध से जुड़ी हुई होनी चाहिए, और कोई भी अगर आप इलीगल काम कर रहे हो, कोई भी इलीगल काम है, लीगल है तो सब ठीक है, सब फेयर प्रॉपर्टी है, अगर कोई भी इलीगल काम है तो वो सब अपराध है, और उससे जुड़ी हुई संपत्ति सब क्या हो जाएगी, आपराधिक संपत्ति हो जाएगी, उसी को मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। लॉन्ड्रिंग पता है लॉन्ड्री होती है, लॉन्ड्री मतलब सफाई कर देना, ठीक है, कपड़ों की लॉन्ड्री होती है, तो ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, जो ब्लैक मनी काला पैसा उसको सही जगह लगा दिया जाता है घुमा फिरा के इधर उधर से, तो वो सब पैसा इसमें आएगा कि अगर किसी ने भी ऐसे अपराधी सा आपराधिक संपत्ति को हासिल किया है वो सब इसका दोषी है मनी लॉन्ड्रिंग का। और एक संस्था आजकल बहुत न्यूज में रहती है, ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ठीक है, ईडी जो क्या करती है, वो इस कानून को लागू करती है, मतलब इस पे ईडी को इससे ताकत मिलती है, वो लोगों के यहाँ छापे डालती है, सब पकड़ती है उन लोगों को, तो वो अपराध की आय से संबंधित जो कानून है, जो जो संपत्ति होती है उसको मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध करने वाले लोगों को भी 3 से 7 साल, इसमें देखो प्रॉपर्टी वाले में ज्यादातर में सजाएं उतनी है,
3 to 7 ईयर तक की सजाएं हैं। इसमें कुछ चीजें काम की हम वो लिखते हैं कि जैसे इसमें केंद्र सरकार को अलग से अधिकार है कि वो प्रॉपर्टी को जब्त कर सकता है, ये सब कर सकता है, वो सब में कानून था, सब में था, इसी इसमें भी है। इसमें एक अलग से चीज मैं बता रहा हूँ, वो ये है कि 43 ये सेक्शंस हैं, ये इस यही धाराएं हैं जो ये कानून अभी हम पढ़ रहे थे इसमें इसमें, और इतनी न्यूज में रहती हैं अभी तो, आजकल वैसे भी न्यूज में है भी हेमंत सोरेन की सरकार गिरी, हेमंत सोरेन पे ईडी ने छापा डाला, और विपक्ष वाले तो आरोप ही लगाया करते हैं कि मोदी जी जो है सरकार है वो सब ईडी के छापे ही पढ़ते रहते हैं, तो न्यूज में तो रहते ही है ये ईडी बहुत सारा, और ये वाली धाराएं 3-4 हैं यही से बस न्यूज में रहती हैं। सेक्शन 17 से क्या कर सकता है पीएमएलए, इस कानून से क्या किया जाता है, किसी की भी प्रॉपर्टी को सीज किया जा सकता है अगर वो संपत्ति, ठीक है, संपत्ति को सीज किया जा सकता है अगर वो संपत्ति मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त पाई जाती है तो क्या कर दी जाएगी, सीज कर दी जाएगी सरकार। 19 से उनको जो ईडी है, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, वो अरेस्ट कर सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है जो लोग इसमें लिप्त पाए गए, जैसे इनको अरेस्ट कर दिया गया हेमंत सोरेन को, अरविंद केजरीवाल पे समन पे समन जा रहे हैं न्यूज अगर जो देखता होगा, ठीक है, तो अरेस्ट कर सकता है। सेक्शन 43 से जो सरकारें हैं, केंद्र राज्य सरकारें हैं, वो क्या कर सकती हैं, एक स्पेशल कोर्ट नियुक्त कर सकती हैं जल्दी से जल्दी न्याय देने के लिए, क्या किया जा सकता है, स्पेशल कोर्ट। और सेक्शन 50 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे ईडी को अधिकार है समन भेजने का, जो हमेशा न्यूज में रहते हैं कि अगर किसी पे ईडी को लगता है कि इसके पास ये जो प्रॉपर्टी है ये सही तरीके से नहीं आई है, तो ईडी क्या है उसको तुरंत नोटिस भेज देता है कि हमारे सामने आ जाओ, हमें बताओ आके आपकी प्रॉपर्टी आपको कैसे मिली। कभी देखना, हर ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जब कोई बड़े नेता के यहाँ समन ना जाता हो ईडी का, ठीक है, कभी राहुल गांधी को बुलाया जा रहा है, कभी सोनिया गांधी को, अखिलेश यादव को, सबको बुलाया जाता है, ईडी भेज देती है कि आपके पास जो प्रॉपर्टी हमें बताओ कैसे हुआ। तो सेक्शन 50 से ईडी को ये राइट है समन भेजने का, समन का मतलब नोटिस, जानकारी इकट्ठा करने का, और ये इतना फेमस लॉ अभी के टाइम पे, इसलिए इससे ज्यादा चांसेस बनते हैं कि इससे जुड़ा हुआ कोई सेक्शन पूछ लिया जाए। बस फिर ये आ गई ईडी हमारी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ईडी के बारे में 2-3 पॉइंट, देखो ईडी एक तो 56 में बनाया, बहुत पहले बन गई थी संस्था, लेकिन इसको ताकत मिली है इस कानून से, जब जो अभी हमने पढ़ा, बनी बहुत पहले से है ये संस्था। भारत देखो पैसे से जुड़ी है तो ये पता ही होगा, ये वित्त मंत्रालय के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, राजस्व, वित्त मंत्रालय के अंदर कई सारे विभाग होते हैं, ठीक है, उसमें एक विभाग है रेवेन्यू का डिपार्टमेंट, एक होता है एक्सपेंडिचर व्यय का विभाग, एक होता है जो बजट तैयार करता है, कौन करता है तरुण बताओ, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों का। तो ऐसे कई सारे विभाग हैं वित्त मंत्रालय के अंदर, और ये राजस्व विभाग के अंदर। गड़बड़ इसलिए ये क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि सबको लगता है कि जितनी भी टाइप की पुलिस है वो सब गृह मंत्रालय के अंदर आती है, जबकि ईडी उसमें नहीं आती, इसलिए ये क्वेश्चन अच्छा बनता है, इसलिए बता रहा हूँ कि ये याद रखना है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर रेवेन्यू जो विभाग है उसके अंदर आती है, और ईडी आर्थिक अपराध को हैंडल करती है, तो नाम से ही पता चल गया होगा। ईडी को ये इन कानूनों से ताकत मिलती है, ये जो दो कानून लिखे हैं, एक तो लिख चुका था, एक का ईयर बस अलग लिखा हुआ है, एक तो अभी ये लिख चुके थे हम लोग पीएमएलए, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ईयर बस याद रखना है, कानून कब बना, 2002। ऐसे ही कुछ पैसा है जो विदेशों से आता है, विदेश के लोग वहां से चंदा हो, जैसे बोलते ना कभी कभी फंडिंग, चीन की फंडिंग आ गई किसी उस पे, या कभी कभी किसी आतंकवादी संगठन ने पैसा भेज दिया, वो सब चाहते ना भारत में कुछ ऐसा खुरापात होती रहे, तो वो सब कानून जो विदेश से पैसा आना जाना होता है वो इस कानून से नियंत्रित रहता है, उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ईयर बहुत पूछा जाता है इकोनॉमिक्स में, तक ईयर पूछा जाता है, फेमा कानून बोला जाता है। फेमा कब बना, 1919 में, किसका नाम, नहीं फेमा ही है, हाँ, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 19
19, ठीक, तो ईडी को इससे ताकत मिलती है बस, और तो कुछ ईडी में लिखना नहीं है। एक दो चीजें और हैं बस, दो दो तीन तीन पॉइंट वाली। देखो, भारत में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, सुना, अब ये जो खुद देखो ईडी हो गई और ये जो कानून हो गए, पुलिस हो गई, ये सब क्या है, सरकारों के अंदर है, समझना ये चीज। गृह मंत्री, ये देखो इसके अंदर है, बाकी की पुलिस सरकार गृह मंत्रालय के अंदर होती है। अब मान लो अगर सरकार के जो मंत्री हैं वही अपराध करें, वही भ्रष्टाचार करें, उन पे कौन करेगा? अब ऐसा तो है नहीं अगर मंत्री ही अपराध कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, मंत्री के नीचे वाला पुलिस वाला उसकी जांच करने लगेगा, तो हिम्मत ही नहीं होगी उसकी, क्योंकि जब मिनिस्टर ही कर रहा है और मिनिस्टर के अंदर सब जांच एजेंसी है, तो उसकी जांच कौन करेगा? प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार करे, सोचो, तो उसकी जांच कौन करेगा? बड़े बड़े मंत्री, सीनियर मंत्री भ्रष्टाचार करे, कौन करेगा उनकी जांच? क्योंकि बाकी एजेंसी तो कमजोर पड़ जाएंगी उनके सामने। तो इसलिए एक मांग उठी कि हम क्या करें, भारत में एक ऐसी संस्था बनाए जो बड़े जो लीडर्स हैं, जो प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर्स हैं, उनकी भी जांच कर सके। और एक मांग उठी कि हम एक संस्था बनाते हैं जिसका नाम रखा जाएगा लोकपाल। ये नाम दिया था एक वकील थे एल एम सिंघवी, उनका नाम पूछा था, लोकपाल नाम दिया उन्होंने, एल एम सिंघवी, उनको उन्होंने ये नाम दिए लोकपाल के, एक ऐसी संस्था बनाई जाए। स्पेन दुनिया का एक पहला देश था जिसने लोकपाल बनाया था, ऑम्बड्समैन बोला जाता है इंग्लिश में, ये पूछा जाता है, पहला फर्स्ट कंट्री जिसने लोकपाल बनाया था, मतलब एक ऐसी संस्था जो किसी की भी जांच कर सकती हो, चाहे जितने बड़े लीडर्स हो, चाहे जितने बड़े अधिकारी हो, ऑफिसर्स हो, सीनियर आईएएस हो, डिपार्टमेंट के हेड हो, उनकी सबकी जांच, सबके लिए नहीं, सब कोई भी उनसे उससे छूटा नहीं है लोकपाल के अंदर। अच्छा, अब फिर क्या हुआ, तो मांग उठी ऐसा कानून बनाया जाए। भारत में कानून बनाया गया नहीं गया। फिर याद, अगर सबको याद हो तो एक आंदोलन चला भारत में अन्ना हजारे के नेतृत्व में लोकपाल के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ, 2012-13 के आसपास बड़ा आंदोलन हुआ था। तब भारत में ये कानून बनाएगा लोकपाल एंड लोकायुक्त, जो केंद्र में होता है उसको लोकपाल कहते हैं, केंद्र सरकार के, मतलब भारत सरकार के लिए, और जो राज्यों में होगा उसको लोकायुक्त कहा जाएगा। नाम काम वही करेगा, लोकपाल और लोकायुक्त, ठीक है। इनका काम क्या है, जो बड़े लोग हैं, ठीक है, पोस्ट पर हैं, उनकी जांच करना, उनके भ्रष्टाचार की जांच करना। अब अच्छा, बस ये जांच क्या नहीं कर सकता, बस ये चीज लिखना है। जैसे लोकपाल सब चीज की जांच कर सकता है, प्रधानमंत्री की भी जांच कर सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री के कुछ काम ऐसे हैं जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष ऊर्जा, सार्वजनिक व्यवस्था, ऐसे कामों की जांच वो नहीं कर सकता। अब लोकपाल ये थोड़ी ना जाएगा कि भाई आप बताओ पाकिस्तान में क्या करवाना चाहते हो, या क्या खुरापात हमारी रॉ जो एजेंसी है वो क्या कर रही है, कोई खुफिया जानकारी की जांच थोड़ी ना कर सकता। वो तो सरकार के मतलब सीक्रेट मिशन ही है, ठीक है, उनकी जांच तो नहीं कर सकता वो। तो कुछ चीजों, अपवादों को छोड़कर बाकी जांच लोकपाल कर सकता है भारत में। लेकिन लोकपाल में भी ऐसे लोग बिठाए जाते हैं जो कुछ कर ना पाए, ये तो पता ही है, सरकारें ऐसी चलती हैं। 10 लाख, लेकिन एक कंडीशन ये है कि 10 लाख रुपए से अधिक का मामला होना चाहिए, तब ये लोकपाल क्या करेगा, जांच करे। दो नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, पीसी घोष एक थे, पिनाकी चंद्र घोष, जो पहले लोकपाल भारत के थे, नाम लिख लेना उनका, दो तीन ये पॉइंट वाले नाम है। पीसी घोष, ये फर्स्ट लोकपाल थे। 1971 में महाराष्ट्र पहला भारत का राज्य था जिसने लोकायुक्त या लोकपाल बनाया था अपने यहां पर। अभी के टाइम पे प्रदीप कुमार मोहंती हैं, पीके मोहंती, प्रदीप कुमार मोहंती लोकपाल, और ऐसे ही राज्य। हाँ, अरे अच्छा, एक चीज याद रखना, जो लोकपाल होता है वो एक व्यक्ति नहीं होता है, लोकपाल एक पूरा कमीशन है जिसमें 8 लोग होते हैं। कितने लोग? 8 लोग होते हैं, और फिर उसके नियम है 50% लगभग जज होने चाहिए, रिटायर्ड जज 50%, नॉर्मल लोग होने चाहिए। तो एक कमीशन है पूरा एक जो जांच करेगा, बड़े लोग, ठीक है। फिर बाकी एजेंसीज हैं देखने के लिए ना, उसको करने के लिए। ये नाम याद रखना, अभी के टाइम पे प्रदीप कुमार मोहंती, और ये फर्स्ट लोकपाल थे, तो इनका नाम अभी तक पूछा जाता है, पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है। तो ये लोकपाल अधिनियम हो गया। बस लास्ट एक ये चीज और है, वो है सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन।
ये भी एक संस्था भारत में, कितनी संस्थाएं देखो भ्रष्टाचार रोकने के लिए बनी है, तब भी तो रुकता नहीं है। और ये सीवीसी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे इससे जुड़े हुए दो तीन पॉइंट बस समझना। ये इसको मैं लग से ही बताता हूं कि क्या हुआ भारत में। 1964 की बात है, 1964 में एक कमीशन बनाया गया था जिसका नाम था संथानम कमेटी, के संथानम नाम लिख देता हूं मैं, के संथानम। इनका नाम बहुत पूछा जाता है कि कहां चला गया, देखो हाँ, के संथानम कमेटी ये बनाई गई, और ये बनाई गई थी कि भ्रष्टाचार कैसे रोका जाए। ये 64 की बात है, तो इसने रिकमेंड किया कि ऐसा है भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक अलग, जैसे सीबीआई क्या करती है सब अपराध को देखती है, हर अपराध कैसा भी अपराध हो, तो एक अलग संस्था बना दो। तो इनकी सिफारिश से एक संस्था बना दी गई जिसका नाम दिया गया सीवीसी, सेंट्रल, पूरा नाम क्या है, सेंट्रल विजिलेंस विजिलेंस कमीशन, हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग, सतर्कता आयोग। नाम में ही लिखा हुआ है यह ऐसा आयोग है जो भ्रष्टाचार पर नजर रखेगा, ठीक है, अपराधों की जांच करेगा, भ्रष्टाचार वर्ग से जुड़े हुए अपराधों। इस आयोग में 1+2 लोग होते हैं, मतलब टोटल 3 लोगों का आयोग होता है। एक सीवीसी होता है जिसको कहते हैं चीफ विजिलेंस कमिश्नर, और 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं। ये 4 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं, 65 साल की एज तक रिटायर, मतलब 4 साल का कार्यकाल इनका होता है, रिटायर हो या 65 साल पर रिटायर हो जाते हैं। सीवीसी बड़ी संस्था है इसलिए पूछी जाती है इनका रिटायरमेंट कब होता है, कैसे क्या ये लोग काम करते हैं। एक ईयर और लिखेंगे हम लोग, पहले तो ऐसे ही ये संस्था बना दी गई, ठीक है। पता है भारत सरकार कैसे संस्था बना सकती है, जैसे गृह मंत्रालय है, कैबिनेट होती है, जब मंत्री लोग बैठे हैं वो लोग क्या करते हैं, अपने आप बैठ के एक मंत्र को संस्था बना सकते हैं, तो उन्होंने सीवीसी बना दिया ऐसे ही। लेकिन एक और तरीका होता है संस्था बनाने के, उससे उसको और ज्यादा ताकत मिल जाती है, और वो तरीका क्या है कि संसद में कानून बना के बनवाओ संस्था, प्रॉपर लॉ बनाओ। और एक तरीका और है जो और ज्यादा ताकत अगर देनी है तो फिर उसको संविधान में डाल दो। पता है तो संस्थाएं 3 तरीके की बनाई जा सकती हैं। एक तो जो कैबिनेट है मंत्री लोग, उन्होंने प्रस्ताव पास कर दिया कि चलो ये बना दो, बन जाएगी तुरंत, लेकिन उसके पास कम ताकत क्योंकि मंत्रियों ने बनाई, मंत्री कभी भी हटा सकते हैं, ठीक है। दूसरी क्या है कि पार्लियामेंट में लॉ बनवाओ, तो उसको जो पार्लियामेंट में लॉ बन के बनती है उसको बोलते हैं स्टेट्यूटरी संस्था, या हिंदी में बोलते हैं सांविधिक, विधिक, कानून बनाकर जो बनाई गई उसमें एक्ट बनाना पड़ेगा। और तीसरी कैसे बन सकती है, संविधान में डाल दो, ठीक है। तो जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको तीनों का, इसे याद रहेगा क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत पूछे जाते हैं। जैसे है नीति आयोग, नीति आयोग जो है नॉर्मल संस्था, एडवाइजरी, कैबिनेट ने अपने आप बना दी, जैसे प्लानिंग कमीशन है नीति आयोग, ठीक है, वो नॉर्मल संस्था है। एक संस्था कानून बनाकर बनाई जा सकती, एक्ट बनाकर, जैसे ये है सीवीसी। फिर क्या किया गया, 2003 में भारत में सीवीसी एक्ट पास कर दिया गया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट, और ये इसको कैसी संस्था बना दिया गया, एक स्टेट्यूटरी बॉडी ये बन गई। स्टेट्यूटरी फिर से मैं बता रहा हूं, हिंदी में बोलते हैं विधिक, जो विधि मतलब विधि का कानून है, मतलब ही होता ना, कानून बनाकर संस्था बनाएगी। अच्छा, अगर मान लो इसको उठाकर कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दे तो ये और पावरफुल हो जाएगी। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की संस्थाएं हैं, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन की संस्था बताओ, कोई भी संस्था, किसी को भी नहीं याद, कितनी संस्था हम पढ़ते हैं, सीएजी, कैग, कैग होती है ना, अटॉर्नी जनरल होता है, कितनी संस्थाएं पढ़ते हैं, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, चुनाव आयोग क्या है वहां पे पड़ा हुआ है, तो चुनाव आयोग ज्यादा ताकतवर है, ठीक है। बाकी के ये भी तो आयोग है, ये कम ताकतवर है, और नीति आयोग सबसे कम ताकतवर, क्योंकि वो क्या है, सिर्फ कैबिनेट ने बना रखा है योजना आयोग। तो ऐसे संस्थाएं बनाई जा सकती है, तो सीवीसी बनाया गया। सीवीसी क्या करती है, करप्शन से जुड़े हुए मामलों की जांच करती है। तो ये वाली चीजें इतनी हो गई, और तो कुछ है नहीं, बस ये हमारी चीजें जो हो गई जो करप्शन से जुड़े हुए चीजें हैं, ठीक है। तो ये हमारा करप्शन वाला लॉ हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट मूल विधि में हम लोग नेक्स्ट लॉ कवर करेंगे, ये क्या है।